तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं? लो पूकी भी आ गया, अब तो और मजा आएगा। और ये तीन गोलों में किसके पैर हैं? ओह समझ गई, पर क्या आप समझे? हमें पहचानना है फ्रैंकेनस्टाइन का पैर। क्या पहला वाला पैर फ्रैंकेनस्टाइन का है? अरे नहीं, हमें तो तीसरा वाला लग रहा है। बिल्कुल सही, ये है इसका पैर। ठीक है ना पूकी? अब हमें क्या पहचानना है? ये तो हाथ लग रहे हैं। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन का हाथ कौन सा है, क्या आप पहचान सकते हैं? ये वाला तो नहीं लग रहा। ओह ये वाला भी नहीं लग रहा, लगता है बीच वाला है। बिल्कुल सही पहचाना, यही है इसका हाथ, है ना पूकी? ओह अब हमें क्या पहचानना है? अब हमें पहचानना है फ्रैंकेनस्टाइन का सर। क्या लगता है पहला वाला? बिल्कुल सही, ये है फ्रैंकेनस्टाइन का सर। आपने फ्रैंकेनस्टाइन को फिर से जोड़ दिया और देखो पूकी भी कितना खुश है। तो आज हमने सीखा शरीर के अंगों के बारे में, हमने सीखा पैर के बारे में, हाथ के बारे में और सर के बारे में। ये हाय, मैं हूँ कमिला और मैं हूँ एक विच। शायद कोई आया है। एनी, मैं यही सोच रही थी कि अब तुम तीनों से कब मिलूंगी। अंदर आना चाहोगी? मैं एक नया जादू करने की कोशिश करने वाली हूँ। क्या तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे? हाँ याद है, तुमने मैंगो को एक उड़ने वाले बंदर में बदल दिया था। आबरा कडाबरा। ये क्या है? ये तो गोस्ट यानी भूत है। ये बहुत ही डरावना है। वाह कमीला, कुछ और भी करके दिखाओ। आबरा कडाबरा। ये तो वैम्पायर है, देखो वो एक चमगादड़ बन गया। आबरा कडाबरा। देखो अब कमीला ने फ्रैंकेनस्टाइन बनाया है। क्या ये सच में फ्रैंकेनस्टाइन ही है? आबरा कडाबरा। देखते हैं अब कौन आएगा। अरे ये तो मम्मी है। ओह क्या ये इजिप्ट से आई है? आबरा कडाबरा। अब देखते हैं कौन आता है। वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव। बाय बाय यानी। पता नहीं था हैलोवीन इतना जादू भरा भी हो सकता है। हैप्पी हैलोवीन। कमीला ने अपने मजेदार जादू से हमें मिलवाया, एक भूत से, एक वैम्पायर से, फ्रैंकेनस्टाइन से, एक मम्मी और एक भेड़िया मानव से। अरे मैंगो, देखा तुमने कितनी डरावनी रात है? वो देखो वहाँ एक घर है, चलो घंटी बजाए, चलकर देखें इस घर के अंदर क्या है। अंदर आ जाओ और इन मॉन्स्टर्स की मदद करो इनका घर ढूंढने में। ये मम्मी टीके कहाँ रहती है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? सोचो सोचो और सही जवाब दो मैंगो, तुम ये कर सकते हो। जल्दी करो, हमारा टाइम निकलता जा रहा है।
पिरामिड। ये सही जवाब है। मम्मी रहते हैं पिरामिड में। अब बताओ कि कमिला द विच कहाँ रहती है? समुद्री डाकुओं के जहाज में, किले में, कूड़े के डब्बे में या फिर टेंट में? जाओ बेन, तुम्हारी बारी है। जल्दी बताना बेन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सोचो बेन, सोचो। किले में। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। कमिला द विच रहती है किले में। और अब अगला सवाल। तो बताओ कि मकड़ी कहाँ रहती है? पिंजरे में, जाल में, एंटिल में या छत्ते में? तुम्हें इसका जवाब पता है मैंगो? जल्दी करो, समय निकल रहा है। सोचो और सही जवाब दो। हाँ, सही पहचाना। मकड़ी रहती है जाल में। मकड़ी को अपना जाल पसंद होता है। अब बताओ कि स्केलेटन कहाँ रहता है? किले में, पिरामिड में, पेड़ पर या ताबूत में? जाओ बेन, अब तुम जवाब दो। पर याद है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम्हें इसका जवाब पता है बेन? ताबूत में। ये सही जवाब है। सभी मॉन्स्टर्स अपने घर पहुंच गए, अब तुम भी अपने घर जाओ। अरे क्या, तो हम सब डरावना सपना देख रहे थे। तो हमने मदद की इन डरावने पात्रों को उनके घर पहुंचाने में। मम्मी रहती है पिरामिड में, मकड़ी रहती है जाल में, स्केलेटन रहता है ताबूत में और विच रहती है किले में। ये हमने कर दिखाया, हमने इन्हें इनके घर पहुंचा दिया। डरावने अंडे की तलाश। आओ मैंगो की मदद करें अंडे इकट्ठे करने में। हाँ मैंगो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे अरे रुको मैंगो, ये क्या है? अरे ये तो भूत है। डरो नहीं मैंगो, बस इन दोनों फोटो में क्या अलग है वो पता करो। चलो मैंगो देखते हैं। अंडा लेने के लिए मैंगो को दोनों के बीच फर्क बताना होगा। ध्यान से देखो मैंगो, क्या तुम्हें कुछ अलग दिखा? हाँ सही पहचाना, इस ट्रे में अंडे नहीं है। शाबाश मैंगो, तुम्हें तुम्हारा पहला बैंगनी अंडा मिल गया और तुम्हारा पहला पड़ाव भी पूरा हुआ। हाँ आगे बढ़ो मैंगो, देखते हैं आगे क्या होगा। रुको मैंगो, एक और पड़ाव। अब यहाँ क्या होने वाला है? ये तो दूसरा भूत है। तो अगला चैलेंज क्या होगा? इसमें छुपी हुई एक चीज ढूंढो। अब मैंगो को नारंगी अंडा ढूंढना होगा। क्या सोच रहे हो मैंगो, ध्यान से देखो, तुम ढूंढ सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, ये रहा नारंगी अंडा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम्हें दूसरा हरा अंडा भी मिल गया और तुम्हारा दूसरा पड़ाव भी पूरा हो गया। तुम तो बहुत समझदार हो मैंगो, चलो अब आगे बढ़ो। देखते हैं हमें आगे क्या मिलने वाला है। रुको मैंगो, देखो यहाँ भी कुछ है। ओह, यह तीसरा नीला भूत। तो अगला चैलेंज क्या है? इस चित्र को पूरा करो। ओह, ये तो एक पहेली है। मैंगो, तुम्हें इसके टुकड़ों को सही जगह लगाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैंगो। और ये बस हो गया। ये तो बहुत मजेदार चुनौती थी। वाह, तुम्हें तीसरा नीला अंडा भी मिल गया। शाबाश मैंगो। ये
लगता है तुमने सारे अंडे ढूंढ लिए। हाँ देखो, तुमने तीनों अंडे इकट्ठे कर लिए। ये तुमने कर दिखाया मैंगो। तो आज हमने तीन खेल खेले, फर्क ढूंढना, छुपी हुई चीज को ढूंढना और चित्र को पूरा करते हुए पहेली सुलझाना। उम्मीद है आपको मैंगो के साथ खेलने में मजा आया होगा। हैलोवीन वाली भूल भुलैया, आओ देखें कौन सा रास्ता किसके पास पहुंचता है। ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये तो ब्लैक के पास पहुंचेगा। चलो चले। हम पहुंच गए ब्लैड वैम्पायर के पास। बाय ब्लैड। देखते हैं दूसरा रास्ता किसके पास पहुंचता है। अरे ये तो बिल के पास पहुंच गया। तो चलो बिल के पास चले। ये लो, हम भेड़िया मानव बिल के पास पहुंच गए। बाय बिल। ये तीसरा रास्ता कहाँ जाएगा? आओ देखते हैं। ये रास्ता तो जा रहा है फ्रैंक के पास। चलो हम भी चले फ्रैंक से मिलने। हम पहुंच गए। मैं हूँ फ्रैंक, फ्रैंकेनस्टाइन। फिर मिलेंगे फ्रैंक। बाय। चलो अब देखें ये चौथा रास्ता कहाँ जाएगा। ये रास्ता जा रहा है थॉमस के पास। तो चलो हम भी चलते हैं थॉमस के पास। ये है थॉमस, एक भूत। बाय थॉमस। अब बारी है इस आखिरी रास्ते को देखने की। लेकिन अब ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? ओह अच्छा, ये रास्ता तो हमें भूतिया महल ले जा रहा है। तो मैं चली अपने महल दोस्तों। हैप्पी हैलोवीन। तो कमीला ने हमें मिलवाया वैम्पायर से, भेड़िया मानव से, फ्रैंकेनस्टाइन से और एक भूत से। बाय बाय। ओह हाय मैंगो, तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओह मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए पहले नक्शे तक पहुँचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुँच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुँचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ हाँ बस थोड़ा सा और। देखो तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो, ये है खजाने का बक्सा। वाह इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। तो देखो दोस्तों, ये है एक कलर बुक। आज हम इसमें बने चित्रों पर रंग भरेंगे। चलो इसे खोले। ये है एक सेब, तो हम कौन सा रंग लेंगे? ये है लाल रंग, क्योंकि सेब होता है लाल। और क्या आप जानते हैं सेब में क्या खास बात होती है? एक सेब जो रोज खाए खुद को वो मजबूत बनाए। ये है एक केला, और केला तो सबको पसंद होता है। केले का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, केला होता है पीला। और केले में एक खास बात होती है, चलिए मैं आपको बताऊं। केला खाओ और सेहत बनाओ। चलो आगे बढ़ें। अगला है अंगूर, छोटे छोटे रस से भरे अंगूर। पर अंगूरों का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बैंगनी।
पता है आपको, अंगूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये है रस से भरे अंगूर, इनको आप खाएं जरूर। अब क्या है? ये है एक संतरा, इसमें कौन सा रंग भरे? इसका रंग होता है, हाँ, नारंगी। और अब जरा संतरे की खासियत भी तो सुनिए। चाहे इसको ऐसे ही खाओ या फिर इसका जूस बनाओ। ये है एक नाशपाती, चलिए इसमें भी रंग भरे। और नाशपाती का रंग होता है हरा। और सभी फलों की तरह इसमें भी खास बात है, हरी भरी मैं नाशपाती खाके मुझको सेहत बनती। देखो जरा ये सब फल कितने प्यारे हैं। तो आज हमने इन अलग अलग फलों को अलग अलग रंगों से भरा। हमने किया सेब को लाल, केले का रंग था पीला, अंगूर थे बैंगनी, संतरा था नारंगी और नाशपाती थी हरी। कितना मजेदार तरीका है फलों और रंगों को जानने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। अरे ये तो मैंगो है, लेकिन ये हाथ में पेंट ब्रश लेकर कहाँ जा रहा है? हेलो मैंगो। अरे मैंगो ये देखो, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंगो तुम्हारे पास रंग भी है और ब्रश भी, क्या तुम इस बोरिंग से अंडे में रंग भर सकते हो? अरे हाँ, शुरुआत करते हैं नीले रंग से। मैंगो ने अंडे को रंगना शुरू कर दिया और उसने इसमें रंग भरा नीला। अब मैंगो दूसरा रंग भरने लगा है और ये रंग है नारंगी। अब कौन सा रंग लोगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा रंग है, ये है गुलाबी। चलो अब दूसरा रंग लेते हैं और इन बाकी के गोलों में मैंगो ने भर दिया हरा रंग। अब कौन सा रंग लोगे? अच्छा, और अब बाकी के पूरे अंडे को मैंगो ने रंगना शुरू कर दिया। वाह मैंगो, तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार हो। और ये कर दिया मैंगो ने पीला रंग। बहुत अच्छे मैंगो, शाबाश। अरे ये क्या, लगता है ये अंडा इस डायनासोर का है। भागो मैंगो। ओहो, डायनासोर को भी रंग बिरंगा अंडा पसंद आया। अरे देखो ये अंडा फूट गया और बाहर निकला एक नन्हा डायनासोर। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ मैंगो, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हमने इस बड़े से अंडे को रंगा बहुत सारे सुंदर रंगों से, जैसे हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला। और फिर ये बन गया प्यारा रंग बिरंगा अंडा। ये क्या, एक और? ये सब हो क्या रहा है? अरे नहीं, हमारे सारे दोस्त जाल में फंस गए। क्या आप इनको निकालने में हमारी मदद करेंगे? इसके लिए हमें ढूंढने होंगे वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पाइडर से। स्पाइडर शुरू होता है एस से। नहीं, ये तो राइटर हो गया। ये बिल्कुल सही पहचाना, स्पाइडर। स्पाइडर शुरू होता है एस से, एस पी आई डी ई आर, स्पाइडर। अब मॉन्स्टर को निकालते हैं। मॉन्स्टर शुरू होता है एम से। अरे नहीं, ये तो डांसर है। चलो फिर से कोशिश करें। मॉन्स्टर, आपने ढूंढ लिया। एम ओ एन एस टी ई आर, मॉन्स्टर। और अब हमें निकालना है वैम्पायर को। वैम्पायर शुरू होता है वी से। अरे ये तो अम्पायर है। ये बिल्कुल सही पहचाना, वैम्पायर।
VAMPIRE वैम्पायर। और अब ढूंढेंगे विच। अरे नहीं, ये तो पिच है। ये सही पहचाना, विच। WITCH विच। आपने कर दिखाया, आपने सबको जाल से निकाल दिया। आज हमने सीखी बहुत सी स्पेलिंग्स। SPIDER स्पाइडर, MONSTER मॉन्स्टर, VAMPIRE वैम्पायर, WITCH विच। बहुत बढ़िया, आपने सब सीख लिया। हाय, आज हम जानेंगे कि आकारों का इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? हाँ तो चलो जानते हैं। इन आकारों की मदद से हम कौन सा वाहन बना सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगी आयताकार के बारे में, बेन बताएगा वर्गाकार के बारे में, और मैंगो बताएगा गोलाकार के बारे में। वाह! और इन आकार के साथ हम बना सकते हैं एक सुंदर सी बस। देखा, आकार की मदद से कितनी सुंदर बस बनाई हमने। तो यहाँ हमने एक आयत, गोलाकार और वर्ग की मदद से बनाई एक बस। क्यों, है ना मजेदार और आसान? वाह, देखो घर पर कौन आया है, हमारा प्यारा दोस्त मैंगो। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत सारे फल तो हैं। क्या करने वाले हो मैंगो? नाशपाती। मैंगो ने उठाई एक नाशपाती और अब लिया एक खरबूजा और खरबूजे के कटे हुए टुकड़ों को नाशपाती के पीछे इस तरह से सजा दिया। अरे वाह, ये है अनानास, इन्हें कहाँ लगाओगे? वाह, तुम तो काफी समझदार हो मैंगो। अब क्या करने वाले हो? ओह, संतरे। इन संतरों को मैंगो लगाएगा अनानास के पीछे। वाह, ये है मजेदार तरबूज, इन्हें कैसे लगाओगे? मैंगो, तुम्हारे फलों की सजावट तो बहुत सुंदर है। तो क्या ये तैयार हो गया? पर लगता है अभी कुछ कमी है। ये है सेब। हाँ, इसमें सेबों की कमी थी। तुमने इन्हें भी लगा दिया तरबूज के पीछे। और ये है मैंगो के पसंदीदा केले। वाह, केले देखकर तो मैंगो की खुशी दुगनी हो गई। केलों को भी लगा दिया और ये दूसरी तरफ भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मैंगो, शाबाश। और अब क्या? अब मैंगो ने लिए हैं अंगूर और अंगूरों को भी मैंगो ने लगा दिया केलों के पीछे। और अब आ रही है स्ट्रॉबेरीज की। तो तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ रखोगे? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था मैंगो। जरा देखो तो, मैंगो ने फलों से कितना सुंदर पक्षी बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, यानी कि एक मोर। ये मोर तो कितना सुंदर है ना? और मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, तुम तो कमाल के कलाकार हो। तो आज हमने बनाया एक मोर, वो भी कई सारे फलों की मदद से, जैसे कि अंगूर, गोल गोल खरबूजे, खट्टे मीठे संतरे, लाल लाल सेब, स्वादिष्ट अनानास, रस भरे तरबूज, पीले केले, हरी नाशपाती और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो आज हमने सीखा कि हम फलों की मदद से भी एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। बाय बाय।
दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती करना। गिनती करना मजेदार होता है। दो, छः, पाँच, तीन। और गिनती के लिए हमारे पास है बतके, कछुए, केकड़े और मछलियों के कार्ड। आओ इन नंबरों को इनके गिनती वाले कार्ड से मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं तीन से। नहीं नहीं, ये तो तीन नहीं है। चलो कुछ और सोचो। सही पहचाना, ये है तीन कछुए। एक, दो, तीन। तीन कछुए खुशी खुशी पानी में तैर रहे हैं। अगला नंबर है पाँच। नहीं नहीं, इन पे तो पाँच मछलियाँ नहीं है। फिर से कोशिश करो। चलो चलो आगे बढ़ो। नहीं, इस कार्ड में पाँच केकड़े नहीं है। ध्यान से देखो और गिनो। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, ये है पाँच नन्ही बतके। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच नन्ही बतके तैर रही हैं और गा रही हैं। अगला नंबर है छः। नहीं, ये कार्ड सही नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, आपने ढूंढ लिया, ये छः मछलियाँ हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो देखो, छः मछलियाँ कैसे पानी में नाच रही हैं। आखिरी नंबर है दो। ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही, दो केकड़े। एक, दो। ये दो केकड़े तो पानी में बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो आज हमने सीखी छः तक की गिनती। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः मछलियाँ। इसके बाद है नंबर पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच नन्ही बतखे। फिर नंबर तीन। एक, दो, तीन। तीन प्यारे कछुए। आखिरी नंबर है दो। एक, दो। दो शरारती केकड़े। तो आया ना मजा गिनती सीखने में। बाय बाय। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में, वो भी समुद्र के अंदर। ये है एक बड़ी सी शार्क। कौन सा रंग भरे शार्क में? चलो इसे रंगते हैं नीले रंग से। ये तो बन गई हमारी नीली शार्क। देखो इस शार्क के दांत कितने बड़े हैं। इसीलिए सभी छोटी मछलियाँ शार्क से डरती हैं। ये है एक बेरंग ऑक्टोपस। चलो इस ऑक्टोपस में रंग भरें। हम इसमें भरेंगे बैंगनी रंग। जानते हैं ऑक्टोपस के बहुत सारे हाथ होते हैं। अब ये बन गया हमारा बैंगनी ऑक्टोपस। चलो देखें कि अब आगे कौन है जिसे रंग की जरूरत है। हाँ, ये है एक छोटा प्यारा सा केकड़ा। तो बताओ इसमें कौन सा रंग भरे? इस केकड़े में हम भरेंगे लाल रंग। दोस्तों, गलती से भी इसके पास मत जाना। अगर इसने पकड़ लिया ना, तो नानी याद आ जाएगी। अब ये बन गया हमारा लाल केकड़ा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना? चलो देखें आगे कौन मिलता है। अरे वाह, ये एक प्यारी सी डॉल्फिन है। लेकिन इसे और प्यारा बनाने के लिए हम इसमें भरेंगे ग्रे रंग। दोस्तों पता है, डॉल्फिन बहुत ही प्यारी होती हैं और ये समुद्र की लहरों पर ऊंची ऊंची छलांग मारती हैं और खूब मजे करती हैं। और अब ये बन गई हमारी ग्रे डॉल्फिन। दोस्तों हमारी इस डॉल्फिन को बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अब आगे चलते हैं। ये नन्ही मछली तो जल की रानी लगती है, क्योंकि इसने पहना है एक ताज। आओ इसके ताज में पीला रंग भरें और इस मछली में भरेंगे हरा रंग। ये हमने रंग दिए इसके बाल, इसकी पूंछ और फिर इसकी आंखें। ये मछली तो बहुत सुंदर लगने लगी है। और ये बन गई हरे रंग की मछली रानी। देखो ये कितनी खुश लग रही है। तो यहाँ हो गया हमारा दी एंड। आज हमने रंगा एक नीली शार्क को, एक बैंगनी ऑक्टोपस को, एक लाल केकड़े को
एक ग्रे डॉल्फिन को और एक हरे रंग की मछली को। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आओ ये पहिया घुमाएं। पता नहीं कौन सा कलर आएगा। ग्रीन यानी हरा। क्या आपको इस किचन में कुछ ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन एप्पल से भरा हुआ बाउल, एक ग्रीन फोटो फ्रेम, एक ग्रीन स्पैचुला। क्या हमने सारी चीजें ढूंढ ली? हाँ, ढूंढ ली। पता नहीं अब कौन सा कलर आएगा? पिंक यानी गुलाबी। मेरे बाथरूम में कौन सी चीज पिंक है? पिंक ऑक्टोपस स्टिकर। ये पिंक रग। ओह, शैम्पू की पिंक बॉटल। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंगो। यानी पीला। तो बाहर क्या क्या येलो है? येलो गिफ्ट बॉक्स, येलो विंडो। वाओ, एक येलो स्टार। ये हमने सारी येलो चीजें ढूंढ ली। चलो फिर से पहिया घुमाएं। रेड यानी लाल। इस फॉरेस्ट में क्या क्या रेड है? रेड एंट हिल यानी चींटियों का घर। रेड फ्लावर, रेड बटरफ्लाई। हमने सब ढूंढ लिया। वो, वो। अरे बेन, ब्लू यानी नीला। मेरे रूम में क्या ब्लू है? ब्लू टेडी बेयर, ब्लू लैम्प, ब्लू गिटार। ये हमने सारी ब्लू चीजें ढूंढ ली। आज हमने सीखा कलर्स के बारे में। रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। वाह, आपने कर दिखाया। मैंगो को पहुंचना है गोल्डन बनाना तक। पहले उसे गुजरना होगा जादुई पेड़ से, फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार और फिर गुजरना होगा रेनबो रॉक से। मैंगो को यहाँ इकट्ठे करने होंगे 3 फ्रूट्स। ये 1, 2, 3। ये अगला पड़ाव है शेप्स वाली दीवार। इन्हें भरना है सही शेप्स में।
मैंगो को सही शेप ढूंढकर दीवार की खाली जगह को भरना है। सर्कल यानी गोल आकार, पर ये यहाँ नहीं आ पाएगा। स्क्वायर यानी चौकोर, ये भी यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो चलो मैंगो, दिमाग लगाओ। हाँ, ये तो लग गया। अगला पड़ाव है रेनबो रॉक। रेनबो में कलर भरने हैं। मैंगो को रेनबो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ऑर्डर में। रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी गहरा नीला, वायलेट यानी बैंगनी। शाबाश मैंगो, तुमने कमाल कर दिया। चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो। ये थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमने सीखे नंबर्स 1, 2, 3 और शेप्स ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और सीखा रेनबो के कलर्स के बारे में। अरे ये तो कमीला है और ये है उसकी हैट। हैट में लेटर्स होते हैं HTA, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है HAT, हैट। और अब ये हैट जाएगी कमीला के सिर पर। अब अगली चीज क्या है? वॉन्ड। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं DAWN। चलिए अब इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लगाते हैं। WANDD, वॉन्ड। और वॉन्ड जाएगी कमीला के हाथ में। अब क्या चीज आएगी? ब्रूम। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं ORBOM, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है BROOM, ब्रूम। ये है सही स्पेलिंग और ब्रूम गया कमीला के पास और कमीला उस पर बैठकर उड़ चली। देखो वो कितनी खुश है। आज हमने सीखी हैट की स्पेलिंग HAT, हैट। और हमने सीखी वॉन्ट की स्पेलिंग WAND, वॉन्ट। और हमने ब्रूम की भी स्पेलिंग सीखी BROOM, ब्रूम। बहुत अच्छे, ब्रूम, वॉन्ट, हैट। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले सेब। ये तो ठीक नहीं है, सेब होते हैं लाल। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले केले। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, केले होते हैं पीले। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से बैंगनी संतरे। एक मिनट, ये सही नहीं है, संतरे होते हैं नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत
बहुत से गुलाबी नाशपाती। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नाशपाती होते हैं हरे। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से सफेद ब्लूबेरीज। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्लूबेरीज होते हैं नीले। तो आज हमने सीखे कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो आज हमने सीखा लाल सेब के बारे में, नीले केले के बारे में, नारंगी संतरे के बारे में, हरे नाशपाती और नीले ब्लूबेरीज के बारे में। ये आपने कर दिखाया। अरे नहीं, इस खरगोश के कान खो गए हैं। क्या आप इसके कान ढूंढने में मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये कान खरगोश के हैं। नहीं नहीं, ये वाले कान भी खरगोश के नहीं लगते। क्यों ना हम बीच वाले कान लगा कर देखें? हाँ, आपने सही कान ढूंढ ही लिए। ये खरगोश तो खुश हो गई। वाह, जरा इस खरगोश के करतब तो देखो, कितने मजेदार हैं। ये है मिस्टर रकून और ये बहुत उदास हैं, क्योंकि इनकी पूंछ नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, क्या ये है इनकी पूंछ? नहीं नहीं, ये हरी पूंछ इनकी नहीं लगती। हाँ, ये है मिस्टर रकून की पूंछ। आपने ढूंढ लिया। देखो अब मिस्टर रकून कितने खुश लग रहे हैं अपनी पूंछ को देखकर। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए मिस्टर रकून। बाय बाय। ओहो, ये तो मिस्टर कछुआ है। इनका शेल यानी कवच खो गया है, इसलिए गुस्से में है। नहीं, ये शेल नहीं, टी शर्ट है। मुझे लगता है ये शेल तो एक स्नेल है। चलो आखिरी वाला देखते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, यही है मिस्टर कछुए का शेल। देखो अब मिस्टर कछुआ कितने खुश लग रहे हैं। जाइए मिस्टर कछुआ और पानी में तैरिए। तो आज हमने मदद की एक खरगोश की उसके कान ढूंढने में, एक उदास मिस्टर रकून की उसकी पूंछ ढूंढने में, और गुस्से में बैठे मिस्टर कछुए की मदद उनका शेल यानी कवच ढूंढने में। उम्मीद है आपको इनकी मदद करके मजा आया होगा। कितना सुंदर दिन है आज। और देखो, हमारा नन्हा दोस्त एप्पल वर्म सेब खाने के लिए निकला है, और उसे दिख गया बड़ा सा लाल सेब। लेकिन वो उस एप्पल तक कैसे पहुँचेगा? अच्छा बताइए, क्या आप उसकी इस भूल भुलैया को पार करके मदद करेंगे सेब तक पहुँचने में? लगता है हमारे नन्हे दोस्त के पास सेब तक पहुँचने का आइडिया है। इसे बस इन आकारों को मिलाना है, इसीलिए नन्हे एप्पल वर्म ने चुना है ट्रायंगल यानी त्रिकोण, जो पहुंचता है सीधा सेब के पास। देखा कितना आसान था। ये सेब तो बहुत ही मीठा है। हमारा नन्हा दोस्त इस सेब को खूब मजे से खा रहा है। ये है एक छोटा सा बंदर और इसे पेड़ पर लटकना बहुत ही पसंद है। पर अब इस बंदर को लगी है जोरों की भूख। देखो क्या दिखा इस बंदर को। भूल भुलैया के उस पार है एक मजेदार केला। लेकिन ये उस केले तक कैसे पहुँचेगा? बिल्कुल सही, इसने चुना है एक सर्कल यानी गोलाकार, और मजेदार केला रखा है सर्कल यानी गोलाकार में। देखा कितना आसान था। ये तो हमें मिल गया मजेदार केला। नन्हे प्यारे बंदर, अब ये केला खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मजा आया ना? देखो ये प्यारी सी खरगोश फुदक फुदक कर थक गई है और इसे लगी है भूख। देखो इसने क्या देखा, एक ताजी सी लाल गाजर जो है भूल भुलैया के उस पार। ये कैसे पहुँचेगी गाजर तक? शाबाश, इसने चुना है स्क्वायर यानी वर्गाकार, जो इसे ले जाएगा वर्गाकार में रखी गाजर तक। वाह, तुमने कर दिखाया। तो अब तुम अपनी ताजी और सेहतमंद गाजर के मजे लो। आज हमने मदद की एप्पल वर्म की लाल सेब तक पहुंचने में, छोटे बंदर की मजेदार केले तक पहुंचने में, और इस प्यारे सी खरगोश की ताजी गाजर तक पहुंचने में। बाय बाय।
पता नहीं ये मैंगो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अरे वाह, ये क्या है? शायद ये कोई खेलने की चीज है। हमें याद रखना होगा कि ये रंग किस क्रम में रोशन होते हैं। चलो मैंगो एक बार कोशिश करते हैं। नीला, गुलाबी, लाल। वाह मैंगो, तुमने सही पहचाना। चलो अब थोड़ा मुश्किल वाला खेलते हैं। लाल, गुलाबी, नीला, हरा, पीला। क्या तुम तैयार हो मैंगो? तो चलो शुरू करें। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। तुम अच्छा कर रहे हो मैंगो, चलो आगे बढ़ो। नीला, अरे नहीं ये गलत है। चलो मैंगो तुम ये कर सकते हो, आओ दोबारा कोशिश करो। लाल, गुलाबी, नीला, हरा। आगे बढ़ो मैंगो। पीला, हमने कर दिखाया। तो आज हमने मैंगो के साथ खेला ये खेल जिसमें हमने सीखे रंगों के क्रम। एक, दो, तीन, चार। अरे ये कौन है? एक वैम्पायर। अब कौन आएगा? दो मम्मीज। देखें अब कौन आता है? तीन विचेस। अब किसकी बारी है? चार मॉन्स्टर्स। पांच, छह, सात, आठ। देखते हैं अब क्या आएगा? पांच ड्रैगन्स। अब कौन आने वाला है? छह ब्लैक कैट्स। और अब किसकी बारी है? सात स्केलेटन्स। इस बार कौन आएगा? आठ बैट्स। नौ, दस। देखिए कौन आता है? नौ स्पाइडर्स। और अब किसकी बारी है? ये है दस गोस्ट्स। आज हमने सीखे नंबर्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक जानवर है जो रहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पहाड़ों के निचले जंगलों में। ये एक दिन में 18 किलो खाना खा सकता है। ये अपनी छाती जोर जोर से पीटता है अपने दुश्मनों को डराने के लिए। इसे अकेले रहना पसंद नहीं है, तो इसलिए ये झुंड में रहता है। तो सोचो जरा, क्या नाम है इस जानवर का? ठीक पहचाना, गुरिल्ला यानी वन मानुष। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं, जिससे इसे ऊंचा कूदने में मदद मिलती है और इसकी मजबूत पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके पेट में एक थैली होती है अपने बच्चे को रखने के लिए। ये तो नन्हा जोई है। कैसे हो जोई? तो बताइए ये कौन सा जानवर है? सही पहचाना, कंगारू। ये रहता है सवाना जंगल में। ये सूंघ कर ही आने वाले खतरे का पता लगा सकता है। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकता है। इन्हें कीचड़ में खेलकर खुद को ठंडा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन है ये जानवर? देखो देखो, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, गेंडा। आज हमने सीखा गेंडे के बारे में,
कंगारू के बारे में और गुरेला यानी वनमानुष के बारे में। उम्मीद है आज आपको मजा आया होगा। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।